काला पीपल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले खोखरा कला में बहुत ही चमत्कारी शिवलिंग विराजमान है, जिसे नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। खोखरा कला बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पर बहुत ही पुराना एवं चमत्कारी शिवलिंग विराजमान है। ग्राम के रिटायर्ड शिक्षक भगवान सिंह राजपूत एवं पुजारी रेवत शंकर एवं बड़े बुजुर्गों की माने तो पुराने समय में इस जगह एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, जो जमींदोज होने पर पेड़ के अंदर से यहाँ शिवलिंग निकला था। कुछ ग्रामीणों ने स्थापित कर दिया और उस समय शिवलिंग का आकार 1 फीट के आसपास था। आज शिवलिंग का आकार 3 से 4 फीट है। जैसे जैसे शिवलिंग की आकृति बढ़ रही है, वैसे ही और चमत्कार भी देखने को मिला। शिवलिंग पर जनवाई का जोड़ा भी दिखाई देने लगा है। यहाँ पर पूरे श्रावण महीने में पंडित पंकज शर्मा के द्वारा हर दिन अभिषेक कराया जाता है। आसपास से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग प्राकृतिक है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कारीगरी नहीं की गई। श्रावण महीने में दूर दूर से भक्त अभिषेक करवाने आते हैं। जो शिवलिंग है नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और अति प्राचीन ये शिवलिंग है, और कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है, अपने स्वयं से यहाँ प्राकृत हुआ था। जैसे कि सुनते आए हैं हम कि यहाँ पे स्थान था, पुराने स्थान वहाँ पे बरगद का पेड़ था, उससे भगवान की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू शिवलिंग भगवान नीलकंठेश्वर के नाम से विराजमान हुए, तभी से यहाँ लगभग 60 वर्षों से प्रत्येक सावन महीने में रुद्राभिषेक की प्रक्रिया है यहाँ पे चलती है, जो मासिक अनुष्ठान के रूप में हम सब करते हैं। 60 वर्षों से रुद्राभिषेक यहाँ पे निरंतर होता जा रहा है पूरे महीने। ये जो शिवलिंग है बहुत प्राचीन है, ऐसा कहते हैं, और हमने बचपन में देखा ये कि ये लिंग शिवलिंग जो है पहले बहुत ही विशाल एक बरगद का वृक्ष था, उसकी खो में ये विराजे हुए थे, और फिर धीरे धीरे समय के अनुसार जो गांव के लोगों का इस पर ध्यान गया और गांव के लोगों ने इनको हाथ से हटा के उनको यहाँ मंदिर और ये जब मंदिर का निर्माण हुआ लगभग 75 या 80 वर्ष के लगभग निर्माण हुआ, और तभी से यहाँ पर हमेशा हर श्रावण में पूरे महीने तक अभिषेक किया जाता है और हवन पूजन और गांव के सभी लोग सम्मिलित होते हैं। नर नारी रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।